पीएचई मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने कांग्रेस के शुद्धिकरण मामले पर कहा कि 15 महीने तक कांग्रेस कहां थी, पहले ही कईयों का बीजेपी में आने से शुद्धिकरण हो गया है। जनता ने प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस को वोट दिया था, न कि सिर्फ छिंदवाड़ा के विकास के लिए। कंसाना ने कहा कि कांग्रेस के अभी भी बहुत से विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने कांग्रेस के शुद्धिकरण अभियान को लेकर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के अभी बहुत से विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, लेकिन उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया। भाजपा में आने से ही कांग्रेस के लोगों का शुद्धिकरण हो गया है, अब जनता कांग्रेस का शुद्धिकरण करेगी। इस दौरान कंसाना ने कमलनाथ पर भी निशाना साधा। कांग्रेस द्वारा बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि चाहे जैसे चुनाव करा लो, फर्क नहीं पड़ेगा, जनता वही है। सज्जन सिंह वर्मा जनता का अपमान कर रहे हैं। कमलनाथ को प्रदेश की जनता के लिए जनादेश मिला था, ना कि छिंदवाड़ा के लिए। अरे अब क्यों कहलवाते हो, बेचारों पे दबाव पड़ेगा। तो नाम बताओ। नाम नहीं बताऊंगा। कई एमएलए हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं उनसे, आज भी संपर्क में हैं, पहले भी संपर्क में थे। पहले ही शुद्धिकरण हो चुका है, उन्हें जो 24 सीटों की वो बात कर रहे हैं ना, मैंने आज अखबार के माध्यम से पढ़ा, तो उनमें अशुद्धिकरण कहाँ है? शुद्धिकरण है तभी ये पोजिशन आई है इनकी। 15 महीने से कहाँ गए थे शुद्धिकरण के लिए? इनको दिख नहीं रहा था 15 महीने से कहाँ है शुद्धिकरण। अब कहाँ का शुद्धिकरण है? शुद्धिकरण तो हमने कर दिया, ये जाए तो जनता के सामने, जनता इनका शुद्धिकरण करेगी। क्या मुद्दा लेके जाएंगे जनता के सामने? 15 महीने में क्या विकास किया कमलनाथ जी ने? कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए जनादेश मिला था, न कि छिंदवाड़ा के लिए। सिर्फ कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बन के रह गए, प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। बैलेट पेपर से क्या हो जाएगा? चाहे जैसे करा लो, बैलेट पेपर से करा लो, ईवीएम से करा लो, फर्क वही पड़ेगा, जनता वही है। ये तो जनता का अपमान कर रहे हैं सज्जन वर्मा जी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से करा लो, चाहे जिससे करा लो, जनता तो वही है। ईवीएम पर तो प्रश्न उठते रहे ना। कोई प्रश्न नहीं उठते ईवीएम में, प्रश्न कहाँ से उठ गए? राजस्थान में सरकार नहीं थी, नहीं बनी क्या इनकी? मध्य प्रदेश में नहीं बनी थी क्या? वो क्या बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे क्या? संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।